ओम शांति। आज की तारीख है 24/11/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें श्री मत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। प्रश्न है बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी बहुत अच्छी राय देते हैं। उत्तर है बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अपना हिसाब किताब यानी पोता मेल देखो, अमृत वेले प्यार से याद करो, लाचारी याद में नहीं बैठो, श्री मत पर देही अभिमानी बन, पूरा पूरा रहम दिल बनो तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। प्रश्न है याद में विघ्न रूप कौन बन सकता है। प्रश्न है याद में विघ्न रूप कौन बनता है। उत्तर पास्ट में जो विकर्म किए हुए हैं वही याद में बैठते समय विघ्न रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाप का आवाहन करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरोए जाएंगे। गीत बजा है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, हर एक्ट श्री मत पर करनी है, सबका कल्याणकारी रहम दिल बन सेवा करनी है। नंबर दो, याद की पक्की आदत डालनी है, याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद न आए, इसका अटेंशन रखना है, याद का चार्ट रखना है। वरदान सतगुरु बाबा का, नॉलेज फुल बन, व्यर्थ को समझने मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है और ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर में वो समाओ नहीं। ज्ञान अर्थात समझ और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता हो, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो। तो जब व्यर्थ वृत्ति व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो तब कहेंगे नेचुरल योगी। स्लोगन है व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।